हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और हम आज कहीं आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं हम दिखाएंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह से नहीं की थी, ब्लॉग बना ही नहीं है कोई भी। तो आए हुए हैं हम पिंकी हर के घर। अब क्यों आए आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा। और सरप्राइज आप सबके, सरप्राइज। और क्या ये देखो, इन्हें भी देख लो, ये दिशु भी है। दिशु हेलो बोल। अरे मैं अच्छा ना रहा तेरे नाम का। ये अच्छा तेरे नाम का सलमान खान। यू बिल्कुल भी अच्छा ना है। सेम है। अब देखो उसका होगा क्या, मैंने पता हूँ सेम है अलग है। अच्छा चलो यू एक बात और बताओ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, पूछने आई हूँ। मुझे कल मना दोगे तो आज मैं रूस से आके पिंकियर के घर बैठगी। शांति रह, बैठो, वीडियो बना रही हूँ मैं। सॉरी ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉपीराइट आ जाएगा, मौसम कह रही कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं काफी टाइम हो गया आई हूँ पिंकी। मौसम मैंने काफी टाइम बाद आई है तो मौसम मैं देखने आई हूँ। है ना मौसम अभी दिखा दूं मैंने। हेलो बहन, और ये पढ़ाई कर रही है, अपनी बेटी को पढ़ा रही है। हेलो बोलो, हेलो बोलो मिस्टर, हेलो बोलो प्यार से, प्यार से हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। कैसे हो आप सभी? चालू कैसे हो आप? अरे सुनो भाई, एक बात बताओ, ये मुझे मनाएंगे अब, ये मुझे मनाएंगे भाई। सही बताओ, मनाओगे कल भाई? मनाएगी कल, अब बता। हाँ मनाऊंगी। मलिदा खवाएगी, मलिदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता है मेरी नानी है ना, हमेशा कह रहे हैं कतई मलिदा ना पसंद हो। तो मेरी नानी ना हमेशा बुलावे कि आजा, मतलब हरियाणा में है कि मलिदा का बहुत ज्यादा है ना वहाँ, मकर संक्रांति का बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इतना नहीं है कि लड़की मकर संक्रांति, जब भी तो मैं सोच रही कि पिंकी थोड़ी ना आएगी अभी। नानी आनी, नानी भी कहेगी मकर संक्रांति से जाती। तो ये कल आई है पिंकी, और मेरी नानी को बहुत ज्यादा है मकर संक्रांति का। और आज हम एक वीडियो भी बनाने वाले थे मकर संक्रांति पे, लेकिन हम किसी और चीज में अलझे नहीं है। आप सबके लिए सरप्राइज है, वो सब दो चार दिन में आप सभी को पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। और अच्छा व्लॉग आएगा आप सबके लिए, इसलिए व्लॉग में बने रहिए। आज ऐसा कुछ भी, मतलब जो मेरे पास सूट हुआ रखा है शायद वो करूंगी। और हाँ एक बात और मैं बता देती हूँ बेटा, अगर आप शांति पकड़ोगे नहीं मैं अपने घर जाके बताऊंगी। तो मैं आपको घर जाके बात करूंगी, और किस बात में बात करूंगी, किस बारे में बात करूंगी ये आप सुन लीजिए। पारी कर रही है मिष्टी। तो आप सबसे किस बारे में बात करूंगी वो ये है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ढोला गुजरी आप सब आपकी क्या लगती है। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि दीदी मेरी क्या लगती है, और पागल हो गई है मैं दीदी क्या लगती है। सॉरी बहुत हो रहा है, घर जाके बात करेंगे। तो दोस्तों आज थी लोहरी और आ गई चुकी हूँ मैं घर, घर के बाहर खड़ी हूँ बिल्कुल। और भाभी ने फ़ोन किया, मैं पिंकी के घर पे थी जैसे कि आ जाओ, और लोहरी आपको पता नहीं था, तो बस हम फटाक से आ गए। आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने लोहरी जलाई है, इसलिए क्योंकि धुआं धुआं हो गया कागज़ से, तो इसलिए आंसू आ रहे हैं मुझे। और वीडियो मैंने अभी शूट की है, ये देखो बहुत सारे कागज़ भैया ने, बराबर में भैया की दुकान है उन्होंने दिए थे। तो लोहरी का आगमन हो गया है, इस तरह से किस तरह से प्यार से, ऐसे ही ये मकर संक्रांति नहीं होती तो हम इनके साथ मकर संक्रांति भी मनाते हैं। और भाभी जी, आप सभी भाभी जी को आप सभी जानते होंगे, मेरी बहुत सारी वीडियो में भाभी जी को आपने देखा है, तो आप सब भी देखिए। मतलब ज़्यादातर जो मेरा व्लॉग देखने वाले हैं उन्हें लोहरी के बारे में नहीं पता ज़्यादातर, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी और आज से 10 साल पहले, तो मैंने तभी देखा था। और मतलब जहाँ पहले भी हम ससुराल मेरे यहाँ सहादरे में जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे इतना मतलब बनिया बामन ज़्यादा थे वो आपस में।
बना देती हूँ मैं। दोस्तों हो गया हमारा भी, और कल जो मतलब सरप्राइज आप सबके लिए नहीं बताऊंगी, उसके लिए गई थी मैं पिंकी के घर और हो गया है। मतलब पिंकी के घर तो मैं गई थी सही बताऊं तो चूल्हा जलाने के लिए, उपले लेने के लिए, फिर दोनों काम एक साथ हो गए। मतलब जो सरप्राइज है वो भी काम कराई और ये भी हो गया, और मैं सच बताऊं तो उपले लेने गई थी, और क्योंकि उनके वहाँ उपले हैं, गाय है, तो हो गया। मतलब फिर भाभी ने फ़ोन किया कि आज लोहरी है और हम भूल गए थे बिल्कुल ही, और तो फिर हम भाग के आए। और हो जो भी, उम्मीद करते हैं आप सभी को जैसा भी आज ब्लॉग बना है, और एक दो दिन ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, फिर अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो हिमांशी ने, यही हिमांशी मैंने आपके पास फ़ोन किया था नीचे, क्योंकि हम तो पिंकी के घर से आए, फिर नीचे भाभी ने फ़ोन कर दिया था, हम भाग के आए, फ़ोन किया था तुम्हारे पास। तो आज ये लॉरी में बेसक नहीं गई, थाली भर के हम तिल सकड़ी और मूंगफली गज्जक सब कुछ लेके आए हैं। तो मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी। आंसू मेरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि धुआं धुआं हो रखा था। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, साग बनाया था, और हमारी भाभी ये सरदार नहीं वो बनाती हैं साग लोहड़ी पे, आज हमने बनाया है। तो मैं बस खाना बना देती हूँ, फिर मिलते हैं।